एक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बच्चों? बेसिकली ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इट इज अ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जहां कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहना चाहिए बट कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। कंपेरेटिव मतलब बाकी फोर्सेस में, जैसे अभी हम पढ़ेंगे वंडरवॉल्स के टाइप, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। मतलब एडवर्स इफेक्ट का कि हमारी थ्योरी जो चल रही है वो थ्योरी के हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, आंसर बदल के ये हो गया, तो उसके लिए हमें इसे समझना जरूरी है। तो द फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टॉपिक में आपको पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन इज कंपल्सरी। तो एक आध क्वेश्चन है कि विच इन विच बॉन्ड प्रोटॉन ऑलवेज इन्वॉल्व, तो वो प्रोटॉन कहने का मतलब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट है, आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व हो गई होगा। नाउ हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स से जुड़ा हुआ है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ की मेन कंडीशन है और स्मॉल साइज भी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग उम्मीद करते हैं। बेटा कहने के लिए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली नाइट्रोजन के बराबर है, लेकिन इन जनरल क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इन जनरल क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं बनाता है भैया? ड्यू टू लार्ज साइज। क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाता है। अब एक्चुअल क्या है इसको, अब जैसे से आप पढ़ते आएंगे समझ में आएगा कि जितने इफेक्ट्स देखे गए, फैक्टर्स देखे गए, उससे हमने अंदाजा लगा के इसे बॉन्ड कह दिया है। अदरवाइज इट इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये HX का मॉलिक्यूल पोलर हो गया, यहां माइनस और प्लस चार्ज आ गए, ऑब्वियसली दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तीसरा होगा, लाखों मॉलिक्यूल होंगे और सभी पोलर होंगे। और ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हुआ है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज द अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन है? तो हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो कहना चाहते हैं हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया है, एक इधर एक्स एक इधर एक्स, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि स्मॉल साइज है उनके बीच में आ गया है, एक से उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। इट इज प्योर कोवलेंट, एक से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है और दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक से कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहला रहा है, इट इज नियरली 1/10 ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की जो पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उससे वीक है, कोवलेंट के सामने 1/10 है। लेकिन इन जनरल बाकी वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग है। बाकी कौन से हैं वो अभी आएंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड में अभी तक ये आया, व्हेन हाइड्रोजन कम्स इन बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड बाय वन ऑफ देम इट इज अटैच्ड विद कोवलेंट बॉन्ड एंड बाय अदर अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके आने से कई एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एडवर्स आता है, सॉल्युबिलिटी में एडवर्स आता है। तो अभी हमें देखना है ये सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या एक आध और है दैट इज एटॉमिसिटी या मॉलिकुलरिसिटी जो भी कहना चाहे, इनमें एडवर्स इफेक्ट आएंगे वो देखेंगे। तो पहले हम एक बार फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को सोचते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई कराएंगे। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे एक फनी टोन में हम चेंज कर रहे हैं। फनी टोन में कैसे चेंज कर रहे हैं? बेटा ये है हाइड्रोजन, ओके? इस प्राणी का नाम हमने रख दिया है थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन, ठीक है? और हाइड्रोजन के बेसिकली हम कह रहे हैं दो दोस्त हैं। ये रहे दोस्त, ये स्मॉल साइज। अच्छा स्मॉल साइज को हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं, चलो लेस एज, ठीक है? एक उम्र को कह दिया, साइज की जगह उम्र कह दिया, लेस एज। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना था तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को यहां कह दिया हमने मोर ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? हाइड्रोजन के ये दो मित्रगण हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं,
वेरी सुंदर हैं एंड स्मॉल साइज कम एज के हैं। इज इट क्लियर? ये दो मित्र हैं। अब बेटा ये एक्चुअली में बस इतना अंतर है मित्रों में कि ये ऐसे मित्र हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये हाइड्रोजन के ऐसे मित्र हैं, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन की मित्रियां हैं। मित्रियां समझ रहे हैं ना, सखियां हैं। ओके, अब ये हाइड्रोजन, इनकी दो सखियां, स्मॉल साइज, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्यूटीफुल एंड सो एंड सो। बेटा एक सखी से तो इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। इस सखी से तो इन्होंने बना लिया है कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? बेटा ये कोवलेंट शेयरिंग का बॉन्ड है, बहुत शेयरिंग का बॉन्ड बन गया है। दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। मतलब सिंपल भाषा में शादी हो गई है, वेडिंग हो गई है और ये कोवलेंट बॉन्ड तैयार। इज इट क्लियर? तो दो सखियों के बीच में हाइड्रोजन से, एक से इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। डन? और बेटा जब एक से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है और दूसरी तरफ इनका अट्रैक्शन अभी भी जारी है, यहां भी अट्रैक्शन जारी है। ओफो, यहां भी अट्रैक्शन जारी है। ये जो अट्रैक्शन जारी है इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? ये हाइड्रोजन की ये जो सेकंड करतूत है कि कोवलेंट बॉन्ड होने के बाद भी अट्रैक्शन कर रहा है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे। एडवर्स इफेक्ट तो आने ही, हरकतें जब एडवर्स हैं तो एडवर्स आने ही। ये काम करवा कौन रहा है? ये सारा काम करवा रहा है फोन। सारी पोले खोलेगा भी बाद में फोन। व्हाट इज फोन? ऑब्वियसली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन का मतलब यहां ये है। और इस बॉन्ड की औकात सिर्फ इस बॉन्ड के मुकाबले 1/10 है। मतलब इस बॉन्ड के कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, इसके मुकाबले बहुत कमी है। एडवर्स इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। क्या ऐसे प्राणी का बीपी, बीपी बॉइलिंग पॉइंट के लिए कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहां पे हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, क्या ऐसे का बीपी नॉर्मल रहेगा? मतलब ही नहीं होता नॉर्मल हो जाए, हरकतें ही नहीं है नॉर्मल वाली, कैसे हो जाएगा? नहीं होता बीपी। सॉल्युबिलिटी वो अभी देखते हैं क्या है। फॉलोड बाई, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कहें कि भाई सुंदरता तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर है, सुंदरता का मतलब था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। भैया नाइट्रोजन और क्लोरीन की सुंदरता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, अच्छी बात है। लेकिन बेटा इसकी उम्र निकल गई है, कहा था ना स्मॉल साइज, हमने एज से कहा था। तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी एक एज होती है, तो इनकी एज निकल चुकी है। या ये कहना चाहते हैं कि अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन जनरल नहीं बनाएंगे, एक एक्सेप्शन है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है बार बार इन जनरल। तो ये एक सिनेरियो है हाइड्रोजन बॉन्ड का। आई होप सो क्लियर है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए, एक एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड बना ले, एक एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड बना ले और दूसरे एलिमेंट से अभी भी अट्रैक्शन जारी है, तो इस बॉन्ड को, इस अट्रैक्शन को कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? अब बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो तरीके का होता है। केमिस्ट्री में दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। वन इज टर्म्ड एज इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर। ये जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये एक HF है, ये इंटरमोलिक्यूलर। ये H2O वाटर है, ये H2O वाटर है। तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा इसमें, ध्यान से देखिए। ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आया, ये हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आया, और ऐसे ही H2O में यहां पे भी होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर मैं आपसे कहूं बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ, एक वाटर मॉलिक्यूल हिस्सा है चार हाइड्रोजन बॉन्ड का, दिख रहा है? मैंने दोबारा येलो लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ कर दिए हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड का हिस्सा है, और अभी इसे याद रखिएगा, क्वेश्चंस आएंगे इस पे फिर देखेंगे। फिलहाल HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां आगे भी होगा, इसमें है। और अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये जैसे अमोनिया में NH बॉन्ड होता है बेटा, ये
अमोनिया में एनएच बॉन्ड होता है और इसलिए दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आएंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जहां जहां एच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ में है वहां हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड है विच इज टर्म्ड एज ईथर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत तो यार जानते हो आप लोग, इतना कोऑपरेट करो, ईथर, क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो बेसिकली ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है ईथर में? एक्चुअली ये लिखा जरूर है CH3, लेकिन ये C से O जुड़ा है, C से O से आगे C जुड़ा है, और ये H यहां है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या थी भैया? एक से विवाह करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, लेकिन विवाह ना हुआ है, तो जब विवाह ना हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बेटा अगर हम आपसे पूछें, बताओ अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ये हमने लिख दिया CH3OH, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब एक आध बच्चा शायद कुछ ऑक्टेट रूल कुछ पूछ रहा है। बेटा जिसने भी पूछा है ऑक्टेट, मैं कहां पीछे जाके चेक करूं, फिलहाल ऑक्टेट रूल का कोई लेना देना नहीं है इस हाइड्रोजन बॉन्ड से। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा ना यहां पे। हां सर, हम ये कह देंगे ऑक्टेट रूल फेल हो गया यहां पे। बच्चे ऑक्टेट तो आता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो, इलेक्ट्रॉन गेन लूज कुछ हो, या ऑक्टेट का कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे, ये तो खाली अट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चल रहा है, दो चार्जेस आ गए, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन आए गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ऑक्टेट रूल से कोई सेंस नहीं है। या आप ये ना सोचें कि ये यहाँ पे बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड एक्सपैंड कुछ नहीं। जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ये है, और इससे ऑक्टेट रूल देखा जा रहा है, और ये तो एक सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था क्या अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अल्कोहल में OH ग्रुप दिख रहा है हमें, और जहां पे भी एक बॉन्ड दिख गया ऐसे दूसरा अल्कोहल आएगा बेटा, और जब दूसरा अल्कोहल आएगा तो ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आएगी, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी होगी और एक तरफ अट्रैक्शन होगा। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए हम इसे जनरल भाषा में कहते हैं कमाल का बॉन्ड है, कमाल का बॉन्ड है। ठीक है, ये कमाल का बॉन्ड कहेंगे बेटा। ये हम लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कमाल का बॉन्ड, क्योंकि अभी कई क्वेश्चन में ना एक्सेप्शन आएंगे, तो मैं वहां कहना पड़ेगा ये देखो कमाल का बॉन्ड आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कोई बच्चा? अविशी बेटा पूछिए, क्या पूछ रहे? सर एक बार इथर वाला बता दीजिए। इथर बेटा, इथर ये वैसे बना हुआ है तो यही देख लीजिए, ये इथर था CH3OCH3। अब इस CH3OCH3 में इस कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े ही नहीं है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन ये है, हाइड्रोजन मस्ट लिंक्ड विद, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होना चाहिए, मतलब कोवलेंट बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में बॉन्ड बना रहे हो, या हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हो, और दूसरी तरफ एक कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए उसके साथ अट्रैक्शन चले, तो हाइड्रोजन को कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ना है। अब बच्चों ये देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं ईथर की, दिस वन इज ईथर, तो इस ईथर में कहां, इस ईथर में हम दिखा देते हैं ऐसे लिख के कंफ्यूज कराने के लिए कि यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, बट यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, इसलिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इट इज कमाल का बॉन्ड। ठीक है, नाउ हाँ जी बोलो सर, जैसे अल्कोहल में हमने दो अलग अलग अल्कोहल के फॉर्मुलेस को जोड़ा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वैसे सर अगर हम एथर में दो जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? कैसी बातें करते, दो क्या 50 जोड़ लो, ये रहा O, ये रहा O, इससे इधर कार्बन है,
इधर कार्बन है, ये फिर वो आ गया, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, कहाँ हाइड्रोजन है? अरे भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ा होना जरूरी है। अब यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां जुड़ा है? जे है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जे 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 तो कार्बन से जुड़े हैं और कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो भैया कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, ये तो इसके घर के मेंबर हैं, इसके साथ हाइड्रोजन कहां आया? दो क्या बीस लगा लो, कैसे आ जाएगा भाई? यहां ये एच लगा है, अब तुम कहो कि यहां ऑक्सीजन आ जाए, चलो तो ये हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा है? आप कहो कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो इधर कहां जुड़ा है भैया? ये कंडीशन तो आए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से पहले कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव से अट्रैक्शन करे, तो यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा ही नहीं है, इसलिए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो सके इसलिए यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और सर, कोई डिफरेंट सर, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में हो सकता है? 100% अभी आ रहा हूं मैं, अगर ओ और सी से। ओके सर, अरे होगा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अगर यही बच्चा अगर कहता है क्या ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो 100% बनाएगा। ये था ईथर हमारा, और ईथर में ये रहा हमारा वाटर HOH। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि होगा, क्यों होगा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड? कि ये हाइड्रोजन इसके साथ कोवलेंट और इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हों, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं, और ये भी संभव है एक मॉलिक्यूल में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड हो ही ना, बाद में आ जाए, तो दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई डाउट तो पूछो, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कोई फैक्टर्स होते हैं हाइड्रोजन होने के अलावा पता कर सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बोले मोदी है, हाँ है। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा मोदी है नहीं है? अबे हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो होगी मेरे भाई, और हाइड्रोजन किसी कोवलेंट से जुड़ी भी होगी होगी। मतलब खाली मजे लेने का मूड है का? आज सो के उठे वो खाली इसी बात के लिए, आज मजे लेंगे क्लास में, तुमसे पूछेंगे कुछ तो, जरूर पूछेंगे कुछ तो, बताओ तेरी तो। अबे सरल सा बात है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, जो कि फोन हो, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, इन्हीं में से कोई हो और जुड़ा भी हो, और बस ये मेन कंडीशन है। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल या और कोई मॉलिक्यूल या अकेली हेलोजन भी आ जाए तो ये अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब पूछना क्या चाह रहे हो, और कुछ भी बता दो जिससे पता लग जाए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नहीं होता, बोलो। अब चलिए लौट के आते हैं। देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत है अभी पढ़ने को, अभी तो स्टार्ट किया है, और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके का होता है बेटा, एक इंटर मॉलिक्यूलर और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आपने अभी देखा वो था, और एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूं जिससे क्लियर हो जाए। ये है बेटा कंपाउंड हमारा, दैट इज नोन एज एसीटोन, कीटोन है मतलब, ऑर्गेनिक का है तो थोड़ा सा भी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन है ये। अब मैं पूछूं इस कीटोन में, या ये कार्बोक्सिलिक एस्टर्स होते हैं, ठीक है, और ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मैं पूछूं इन तीनों में, एक और बना लेते हैं, चार ऑप्शन अच्छे लगते हैं। ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन एल्डिहाइड है, दूसरा ऑप्शन कीटोन है, तीसरा एस्टर है, चौथा एसिड है। किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या किसी में नहीं होगा, वॉट एवर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है तो अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूं बच्चों, इसका आंसर है कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एसिड में है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, ओनली इन एसिड। कारण देखिए होता क्या है ना कि हमें देखने में लगता है CHO, तो हमें लगता है कि शायद यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और मैं आपको शो करता हूं पहले में क्यों नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में क्यों नहीं है। फर्स्ट था हमारा एल्डिहाइड, बेटा ये रहा एल्डिहाइड CH3, सी डबल बॉन्ड OH, कार्बन की वैलेंसी तभी तो चार पूरी होगी जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। अभी अब जरा चेक करो H और O क्या आपस में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, और अगर H और O में बॉन्ड नहीं है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन थी भाई लिखते समय हमने ऐसे लिखा जिससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये लिखा हुआ CHO, O और H में कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सेकेंड है कीटोन, बच्चों कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ऑब्वियसली क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक जुड़े नहीं है। हाँ जी बोलो। सर ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर गलत बन गया शायद, CH2 नहीं है उसमें, CH3 CH2। ओके ओके बिल्कुल सही है बेटा। ये देखो यहाँ मतलब आप जो कह रहे हो वो भी बात मैं मानता हूँ सही है, लेकिन उससे ना कोई आंसर में फर्क नहीं है। ये देखिए बेटा ये CH2 आप सही कह रहे हो, बीच में नहीं लिखा मैंने, बट एक्चुअल पॉइंट क्या है यहाँ पे उसे समझने की कोशिश करो कि हमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला जो मेन क्वेश्चन था ना वो कार्बन या CHO ग्रुप के लिए था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन तो बनाते ही नहीं, इधर वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है, वह ठीक है बीच में एक कार्बन खा गया था भूख के मारे, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो CHO ग्रुप जो था क्वेश्चन इस बात पे बेस था कि ये O और H देखने में एक साथ है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, क्योंकि O और H जुड़े हुए नहीं है, O और H अलग है। सिमिलरली कीटोन में भी ऐसा ही है, सिमिलरली एस्टर में भी ऐसा ही है। तुम लोग यार बड़े ध्यान से देख रहे हो, मेरे को ध्यान से बनाने पड़ेंगे, हाँ नहीं तो गलतियां पकड़ डालते तुरंत के तुरंत, हाथ तो हाथ, वेरी गुड। ये रहा बच्चे एस्टर, एस्टर एस्टर सही बनाया, सही बनो। अब यहां पे भी देखिए बेटा कहने के लिए दो दो ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कारण ये ऑक्सीजन भी कार्बन से जुड़ी है, ये ऑक्सीजन भी कार्बन से जुड़ी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं बच्चे, इसलिए यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अब लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में ये चीज है, दिस इज OH, और पता है कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हम मैं बना के दिखाऊंगा, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं, जैसे O अकेला एटम नहीं एग्जिस्ट करता, O2 करता है ना, H अकेला नहीं करता, H2 करता है ना, ऑर्गेनिक में ये एसिटिक एसिड अगर बेंजीन में या फिनॉल में घोलें तो ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं, यानी CH3COH का होल ट्वाइस ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनके एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वो अभी हम बनाएंगे तो दिखेगा, अभी तो जस्ट पहला स्टेप पे हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहचाने कहां है और कहां नहीं है। तो इन तीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी हम इस स्टेप पे हैं, इफेक्ट्स तो बाद में देखेंगे। कोई डाउट तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं पूछो यार, डोंट टेक टेंशन, जल्दी पूछो। सर एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को बता दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक है तो थोड़ा सा भी मैं भी समझ रहा हूं, आपने नहीं पढ़ी है 11th में आगे आएगी, ये स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और हमें तो इस यूनिट से मतलब है OH से, और अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा RC डबल बॉन्ड OOH, चाहे हम ऐसे दिखा लें या रिवर्ट करके दिखा दें, जब मैं आपको वैसे ही बता देता हूं जैसा नेचर में होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मैं वो बना के दिखाता हूं कि ये नेचर में कैसा होता है। बेटा ये है इसका नेचर का स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एक मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OOH दूसरा मॉलिक्यूल, और बच्चे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है,
और इसलिए इसके दो मॉलिक्यूल CH3COH के ये जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जैसे O को O2 करके लिखते हो ना, ऐसे ही CH3COH को होल ट्वाइस करके लिखा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको समझ में आ रहा हो, देखिए यहां ये रहा H, ये O से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है बेटा, और दूसरे वाले O से ये अट्रैक्शन कर रहा है, ये रहा H, ये O से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और दूसरे वाले O से अट्रैक्शन कर रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आया समझ में? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताओ। ये इंटरमोलिकुलर कहलाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो इंटरमोलिकुलर। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कहलाता है इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट वन इज इंट्रामोलिक्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा? आई होप सो अधिकतर बच्चे जानते हैं, इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कहने का मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसे कहते हैं फिनॉल और ये है बेटा नाइट्रो ग्रुप, और केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, इसे पढ़ते हैं कॉमन लैंग्वेज में ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। और ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, दिस इज टर्म्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Why it is termed as intramolecular hydrogen bond? I hope so you get it. कि यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, वो इसी मॉलिक्यूल के पार्ट हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हैं, तो इंट्रा कहलाएगा एंड ऑब्वियसली इसमें रिंग बन जाएगी। ये देखो यहां से यहां तक रिंग जैसा कुछ लग रहा है हमें, और क्योंकि ये रिंग जैसा लग रहा है तो इसे केमिस्ट्री में कहते हैं कि चीलेशन हो गया। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे ये वर्ड यूज करेंगे। बेसिकली चीलेशन का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, इनर्ट की तरफ हो जाना, स्टेबलाइज हो जाना। तो यहाँ चीलेशन हो जाएगा, ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक साइक्लिक कंपाउंड बना के रहेगा। इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की है, एक इंटरमोलिकुलर और दूसरी इंट्रा। जैसे ये आपको दिखा इंट्रामोलिकुलर, तो ये HF ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर, इसे इंटर कहेंगे, उसे इंट्रा कहेंगे। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर? व्हाट इज इंटरमोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसी के बीच में। What is intramolecular? ये एक ही मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। और what is हाइड्रोजन बॉन्ड? जैसे एक आध बच्चे ने पूछा ये कैसे है, फिर से बताइए। तो भैया ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, इसमें मैं इसे दोबारा ही बना रहा हूं, ठीक है। इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये ग्रुप है बेटा O और H फिनॉल का, और ये है N और O। तो ये जो हाइड्रोजन आई है बच्चे, कौन सी हाइड्रोजन? ये वाली हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी है और इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन कर सकती है, इसलिए ये वाला बॉन्ड कहला रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये इस एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है, ये एक ही मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही हाइड्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल गए हैं, तो इसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर। कब कहते हैं इंटरमोलिकुलर? जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिख रहे हो, या जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल के मेंबर हो, पार्ट हो, और अगर दोनों एक ही के पार्ट हो गए तो ये इंट्रा। और इंटरमोलिकुलर में ये HF का एक मॉलिक्यूल, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। Obviously, HF और वॉटर में बिल्कुल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी होगा। तो हमने ये कहीं नहीं कहा कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, चाहे मॉलिक्यूल डिफरेंट हो चाहे सेम हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है,
बट द कंडीशन शुड बी फॉलोड विद दिस हाइड्रोजन एक के साथ कोवलेंट और दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और ये वाले एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज होने चाहिए और इस नेचर क्या फोन है खाली फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. अब पूछिए. एक्सक्यूज मी सर. पूछो. चिलेशन बता दीजिए. बोलो सर एक बार चिलेशन बता दीजिए फिर से. चिलेशन. यस सर. चिलेशन बेटा चिलेशन बेसिकली रिंग फॉर्मेशन के लिए वर्ड है. ये जो रिंग फॉर्मेशन हुई है इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ चिलेशन हुआ है. तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी और इंट्रा होगी तो अंतर क्या है. इंटर में जनरली ये एक मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है ये बेटा अट्रैक्शन है. ये तो है बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन. तो ये तो स्ट्रेट लाइन चलती जा रही है. और इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या है कि ये रिंग बना ले रही है. रिंग रिंग कैसे क्योंकि ये भी जब यहां से भी जुड़ गया और पीछे से भी ये जुड़ा हुआ था तो ये जो रिंग बनाने वाली एक्टिविटी है इसे हम कह रहे हैं चीलेशन. ठीक है. अब बेटा जैसे कोई कहे कि इंट्रा का क्या कोई और एग्जाम्पल हो सकता है या सिर्फ एक ही एग्जाम्पल. ऐसा नहीं बहुत एग्जाम्पल है. जैसे आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे एडवर्स क्वेश्चन. ये एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं. ये केमिस्ट्री में आगे तक के लिए आप याद करेंगे या ऑर्गेनिक में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं लेकिन ये स्टेबल हो सकते हैं. कैसे. अगर यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O आ गया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा. अब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है स्टेबल हो गए. तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दिस वन इज नोन एज इंट्रा. अब कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा मॉलिक्यूल हो. फिर देखिए ये कार्बन है ये कार्बन है. इस कार्बन से यहां OH ग्रुप लगा है और इस कार्बन से यहां ये मैंने कहा था ना कि क्लोरीन के कुछ एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस हैं. ठीक है. तो इस कार्बन से यहां क्लोरीन लगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. ठीक है. तो यहां एक आध जगह क्लोरीन एक्सेप्शन में है तो वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा. दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर. जोर से बोलो. फिर से बोलो. इसका रीजन क्या होता है बनने का क्लोरीन वाला. एक ही रीजन है हमेशा कि बेटा ये बेसिकली एक अट्रैक्शन है. ये अट्रैक्शन कई बार भाई दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा फैक्टर साइज स्मॉल होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे डोमिनेंट कर जाएगी तो बॉन्ड बन जाएगा. अब इतनी ऑर्गेनिक अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि क्लोरीन का एक माइनस आई इफेक्ट होता है. मतलब क्लोरीन खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही यहां से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है. अब इसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज साइज को डोमिनेंट कर गया साइज को ओवरकम कर गया. मतलब दो अलग अलग फैक्टर थे लेकिन साइज वाला फैक्टर नहीं चाहता था हाइड्रोजन बॉन्ड बने क्लोरीन के साइज वाला. लेकिन अगर क्लोरीन के पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब चार्ज एक्सेसिवली ज्यादा हो गया तो चार्ज ज्यादा हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. इज इट क्लियर. बोलो आया समझ में. yes, क्योंकि ऑर्गेनिक कम पढ़िए तो शायद yes, नहीं आएगा लेकिन चल जाएगा. हाँ बेटा कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था सॉरी. हाँ बोल बेटा. सर ब्राउन रिंग जो बनती है ब्राउन रिंग टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में तो वो भी इसी की वजह से बनती है. नहीं कोई लेना देना नहीं. ब्राउन रिंग टेस्ट बेटा नाइट्रोजन का टेस्ट है NO ग्रुप का टेस्ट है और H2O4 HNO3 जब मिलाते हैं तो बीकर में किनारे ब्राउन रिंग बनती है. उसका हाइड्रोजन बॉन्ड से शायद कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. अगर तुम कहीं नेट पे देख रहे हो तो मैं कह नहीं सकता यार अभी लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट को NO में चेंज करना और उससे होता है. तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं याद है उसका. ठीक है. अब ये मत करना यार खाली रिंग रिंग बोले हाइड्रोजन बॉन्ड बोले कहीं रिंग आया बोले हाइड्रोजन बॉन्ड. इतना भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड से प्यार है नहीं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कई जगह है अभी बताना शुरू कर रहे हैं. यहां तक क्लियर हुआ. कोई कुछ पूछना चाह रहा है यहां तक. था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर जो होता है वो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही है.
नहीं 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 हाँ बेटा, वैसे तो कॉमन सेंस है, इंट्रा मॉलिक्यूलर मैक्सिमम ऑर्गेनिक के ही मैंने एग्जांपल दिए आपको, और ऑर्गेनिक में ही दिखे इनका, इनऑर्गेनिक में सोचना पड़ेगा। एक्चुअली पता क्या पॉइंट है, इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बड़े छोटे छोटे होते हैं, मतलब इतने बल्कि नहीं होते कि एक ही जगह दो दो तीन तीन ग्रुप लगे हो फिर जुड़ जाए, डिस्टेंस भी दूर होती है। ऑर्गेनिक में साइक्लिक भी हो जाते हैं, आसपास भी आ जाते हैं, तुरंत जुड़ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के एग्जांपल ज्यादा है मेरे पास अभी, इनऑर्गेनिक का मुझे याद नहीं है, बुक से देख लेंगे एक बार, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे आज तक नहीं पड़ेगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है और कोई डाउट स्टार्ट, कोई और डाउट नहीं है। चलिए बेटा वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से सॉलिबिलिटी इफेक्टेड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिबिलिटी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉलिबिलिटी। बच्चों यूजुअली जब भी सॉलिबिलिटी की बात आएगी तो आपको एक डायलॉग मारना है, डायलॉग क्या मारना है, जैसे सॉलिबिलिटी आए तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, यही डायलॉग ज्यादा चलेगा। और ये भी बता दूं वही घिसे पिटे एग्जाम्पल जैसे होते नहीं घर वालों के, कि वैसे ही एग्जाम्पल में है लाइक डिसॉल्व लाइक, जब भी ये आएगा कहेंगे गधे गधे के साथ दोस्ती करते हैं, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ दोस्ती करते हैं, एंड सो एंड सो। जैसे घर वालों से भी अगर कोई बात कहोगे ना तो वो पुराने घिसे पिटे एग्जाम्पल लाके आपके सामने रखेंगे, है ना। जैसे आपने कहा कि हमें तो मालूम था आज क्लास है ही नहीं शाम को, पापा ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम नहीं है, इसने बताया था, अपने आपने किसी दोस्त का नाम ले लिया, इसने बताया था, बोले उसने बताया था तुमने मान लिया, फिर अगला डायलॉग उनका 99% होता है, ये कहेगा कुएं में कूद जाएगा, ये कहेगा दीवार से कूद जा खिड़की से कूद जाएगा, इसकी इतनी बात माने, मतलब ये घिसे पिटे एग्जाम्पल जो उनके होते हैं ना 99%, मैं कहता हूँ हर बारी तुम्हें कुएं ही क्यों याद आता है, हमेशा कूदना ही क्यों याद आता है, कोई दूसरा पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा। यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक है, मतलब केमिस्ट्री में लौट के आओ, पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में, लाइक डिसॉल्व लाइक का बेसिक मतलब ये है, जो भी चीजें पोलर होती हैं जिनमें चार्जेस होते हैं वो चार्जेस वाले सॉल्वेंट यानी वाटर में जाके घुलते हैं, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में जाके घुलेंगी, CCl4 बेंजीन वेस्ट्रॉन मतलब बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें जाके घुलते हैं, और जो पोलर है वो मेनली वाटर में घुलते हैं या अमोनिया में घुलते हैं या पोलर चीजों में ही घुलते हैं, इसे डायलॉग को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो कुछ ऑर्गेनिक चीजें ऐसी हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन बहुत कम है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज न्यूट्रल है लेकिन सबको मालूम है ग्लूकोज पानी में घुलता है। ठीक है, सोचो अगर नहीं घुलता कितनी प्रॉब्लम हो जाती, चीनी पानी में घुलती है। अब ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक है एक बात, दूसरी बात ग्लूकोज ऑलमोस्ट नॉन पोलर की तरफ है फिर भी पानी में घुलता क्यों, तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो चीजें जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगी वो पानी में डिसॉल्व होंगी। तो आपको क्या याद रखना है, द सब्सटेंस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वॉटर आर या विल डिसॉल्व इन वॉटर, वो चीजें जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी वो पानी में घुल जाएंगी। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली हम इस एग्जाम्पल को जरूर लेंगे, ये रहा हमारा अल्कोहल और ये रहा हमारा वाटर, इनके बीच में ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो अल्कोहल थे ये पानी में घुल गए, तो अल्कोहल और वाटर मिक्स हो गए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ओके, कोई बच्चा कुछ कह रहा था मैंने टोक दिया बीच में, पूछिए जल्दी से, कुछ नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, शांत रहो। चलिए बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक है और शायद टाइम हो गया है, अगले बैच के बच्चे आ रहे हैं। रनिंग क्या पता है? हाँ वो दूसरे बैच के आगे शायद। हाँ बोलो बेटा। चलिए ठीक है बेटा, आज हम इतने को ही रख रहे हैं, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर पोलर नॉन पोलर हो जाए। हाँ बेटा सर, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसमें पोलर नॉन पोलर हो सकता हो? पोलर नॉन पोलर हो सकता हो मतलब क्या, मतलब वाटर पोलर है या नॉन पोलर हो जाए, समझ में नहीं आया सर। जैसे
पोलर में डिसॉल्व होता है या वाटर अमोनिया में हो जाता है? सर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं कि पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है या नॉन पोलर किसी एक्सटेंट तक तो जरूर हो जाएगा वो, बट जैसे कहते हैं ना आइडियल सॉल्यूशन बनना, ये कहलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन। मतलब अगर आपने पानी और बेंजीन मिलाने की कोशिश की तो पानी पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, घोलने की कोशिश करो वो नहीं घुलेगा। हाँ एक लिटिल बिट एक्सेस जिसे कहते हैं एक्सटेंट, थोड़ा बहुत घुल भी जाएगा तो वो नॉन मार्जिनल या नॉन उसमें आएगा, इट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी दोनों कंप्लीटली मिसबिल हो जाए, एक दूसरे में अंतर दिखे ना। तो अगर किसी एक्सटेंट तक घुलेगा भी वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं क्योंकि अगला बैच आ गया है, अभी हम उसको डील करना है। ठीक है, कल हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट खोलाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, हैव ए नाइस। और अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे 5 मिनट में। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना हो, बोर्स मॉडल वो उसमें आ जाए।